नमस्कार, मैं वोकल टीवी के लिए रवि तिवारी। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी से अवगत करवाने जा रहे हैं, एक शिक्षा व्यवस्था की ऐसी जमीनी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे देखकर या जिसे सुनकर या जिसे आप बकायदा जो वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप भी कहेंगे वह रे शिक्षा व्यवस्था की हकीकत। ऐसे में फिर बच्चों के अंदर शिक्षा व्यवस्था की क्या गुणवत्ता आएगी। आप यहाँ पर, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ये बिल्डिंग को दिखाएंगे। आप यहाँ पर एक पुराने बिल्डिंग को देख रहे होंगे। ये बिल्डिंग करीब करीब 15 साल पुराना बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ना ही प्लास्टर हुआ है। मैं आपको अंदर से अंदर ले जाकर पूरी जो यहाँ की तस्वीर है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम अभी यहाँ पर अंदर घुस रहे हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ही यहाँ पर नीचे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे नीचे की, यहाँ पर ना ही फ्लोरिंग हुआ है। यहाँ पर देखिए, ना ही फ्लोरिंग हुआ है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है। ऊपर में भी ये करीब करीब 15 वर्ष पुराना अधूरा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अभी तक पूरा नहीं किया जा चुका है, नहीं किया जा सका है। और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग के ऊपर का जो छत का जो इसमें जो ये दिख रहा है, छत के प्लास्टर अभी बकायदा दिखने लगे हैं। उसमें जो लगाया गया छड़ भी पुराना हो चुका है, इसमें जंग लग चुका है, छड़ भी नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि अब मैं आपको एक ऐसे कमरे पर ले जा रहा हूँ जो आधा अधूरा कमरा है। मेरे कैमरा मैन से कहूंगा कि ऊपर का जो दृश्य है, ऊपर के दृश्य को दिखाएंगे कि देखिए किस तरह अभी भी यहाँ पर ये आधा अधूरा है, ईंटों की जुड़ाई होना बाकी है। यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ लेंटर ही यहाँ पर डाला जा चुका है, बाकी काम अधूरा है। ये शासकीय प्राथमिक शाला लिहारी पारा है। हम यहाँ पर लिहारी पारा में खड़े हैं। यहाँ पर 2 शिक्षक हैं, 22 बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं। और शिक्षक किन परिस्थितियों के बीच यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की जो कमान है उसको संभाले हुए हैं, ये जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर कई बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि शिक्षक लगातार यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक जो एक टेम्परेरी बोर्ड की व्यवस्था की गई है, इसी बोर्ड के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चलाया जा रहा है। मैं यहाँ के जो प्रधान पाठक है, प्रधान पाठक से सवाल करूंगा कि सर, ये कितना दिन से ये स्थिति है यहाँ पे? ये लगातार हो गया है, हम लोग को 10 से 15 साल होने जा रहे हैं। सर, कितना दिन से आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का क्लास एक संचालन कर रहे हो? अभी बरसात में इसी माह में चालू करते हैं हर साल, और बरसात खत्म हो जाने के बाद वो पुराना बिल्डिंग में ही चालू कर देते हैं। सर, पुराने बिल्डिंग की क्या स्थिति है? पुराने बिल्डिंग इतना जर्जर है कि वहाँ खड़े होने लायक नहीं है। आपने क्या अधिकारी को अवगत कराया ऐसी स्थिति से? अब हमने संकुल प्राचार्य, संकुल स्वयंवरक और विकास शिक्षा अधिकारी को पिछले साल से कई सालों से ऐसे अवगत कराया गया है। कितना क्लास का संचालन होता है यहाँ पर इस बिल्डिंग पे? इस बिल्डिंग पे कक्षा 1 से 5 तक बच्चे का संचालन होता है। सर, ये बताइए, ये बिल्डिंग पे आधा अधूरा है, इसका भी छड़ दिख रहा है, ना ही नीचे फ्लोरिंग हुआ है और दीवारों में भी कहीं प्लास्टर नहीं हुआ है। कितनी परेशानियों के बीच यहाँ पर आप लोग शाला का संचालन करते हैं? हम लोग तो परेशानी बहुत ज्यादा है, इधर एक जन देखते रहते हैं, एक शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, दीवार तरफ बच्चे की तरफ कुछ आज ना जाए, वही इधर भी ध्यान रख के पढ़ाना पड़ता है उन लोगों को। परेशानी क्यों बहुत ज्यादा है सर? बहुत परेशानी है, आने के लिए रास्ता भी परेशानी है, बैठने के लिए भवन भी परेशानी है। और ये भवन कितना साल से अधूरा पड़ा है सर? ये 15 साल से भवन अधूरा पड़ा हुआ है। जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं है, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाएं कि किस तरह वो अपना भविष्य, इतनी परेशानियों के बीच अपना भविष्य गढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ कितना परेशानी होता है आप लोग ऐसे बिल्डिंग में पढ़ते हो तो? डर लगता है? कितना दिन मतलब कैसे डर लगता है, क्या चीज का डर लगता है? ऊपर गिरता है चकरी, ऊपर में छत का मलबा गिरता है। हाँ। तो जो बच्चे हैं, बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं एक डर सा बना हुआ है, और बच्चे भी डर रहे हैं। बच्चे भी, उनका भी कहना है कि जो पपड़ी गिरने का उनके अंदर एक डर बना रहता है, और डर के साए के बीच वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं। शिक्षकों से हमने बात की, यहाँ के HM से बात किया, HM का साफ तौर पर कहना है कि काफी तकलीफ और परेशानियों के बीच यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कमरे जो कमरा में जो दीवार में जो लगातार पानी का सीलन बना हुआ है,
ऊपर का छत दिख, ऊपर का छत का मलबा स्लेब गिर रहा है, 15 साल पुराना बिल्डिंग है, कितना परेशानी और कितनी ज्यादा मतलब यहाँ के टीचर रिस्क लेकर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो पुराना बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग को भी हम दिखाएंगे कि किस तरह की परेशानियों के बीच यहाँ पर लिहारी पारा जो प्राथमिक शाला है यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ की स्थितियों से हम आपको अवगत करवाएंगे। ये लगभग लगभग काफी पुराना बिल्डिंग बताया जा रहा है। पुराना बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वहाँ पर लगातार छत से पानी टपक रहा है, और छत के जो वहाँ पर जो छत के जो छड़ है छड़ दिख रहा है, काफी परेशानी काफी स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। एक और कमरे में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कमरे में कुछ पुस्तकें भी रखी गई है मजबूरी वह यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ना लगा कर आधा अधूरे बिल्डिंग में शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल पूरे छत का मलबा, यहाँ पूरे छत का स्लेब, जो यहाँ का जो ऊपर का जो पपड़ी है, पपड़ी पूरा गिर चुका है, सिर्फ यहाँ पर छड़ ही छड़ नजर आ रहे हैं। काफी तकलीफों के बीच यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था की जो जमीनी हकीकत है हम आपको अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक ब्लॉक का जो एक स्कूल है कितनी परेशानियों के बीच यहाँ पर संचालन हो रहा है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग के गाँव में ये स्थिति है, बच्चे कितनी परेशानियों के बीच पढ़ते हैं? बहुत परेशान है, पूरा 3-4 साल हो गया पूरा ऊपर में पढ़ रहे हैं, पूरा आधा अधूरा बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे रिस्क है कि नहीं बताइए? वहाँ भी रिस्क है पूरा, वहाँ भी दिखाएंगे, चलो वहाँ भी रिस्क है पूरा, वो भी अधूरा है पूरा, इस स्थिति में पढ़ाया नहीं जा सकता। कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी ध्यान देते हैं? नहीं कोई भी नहीं आते यहाँ पर, कोई नहीं आते, शिक्षा विभाग भी नहीं आते यहाँ पर, कोई भी नहीं आते, कोई भी नहीं आते अब तक, मैं नहीं देखा हूँ यहाँ पर। जो क्या आप लोग किसी को अवगत कराए हो? मैं तो दिया था पहले भी किए थे, मैं अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पर, ध्यान दे रहे नहीं थी ना, कोई भी नहीं दे रहे पूरा। अच्छा बाबा आपके स्कूल के बच्चे, आपके गांव के बच्चे लोग, अच्छा ये बताओ आपके गांव के बच्चे लोग ऐसी स्थिति में पढ़ते हैं, आप लोगों को डर लगता है? नहीं डर लगता है ना सर। हाँ। परेशानी है मतलब बच्चों को? हाँ बहुत परेशानी है। तो ये थे ये जो यहाँ के ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, कई बार अवगत कराने जाने के बाद भी आपकी आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो शासकीय प्राथमिक शाला लिहारी पारा का जो यहाँ पर जो बोर्ड है इसमें बताया जा रहा है कि जो स्थापना वर्ष 2002 में स्थापना वर्ष है, हमने यहाँ के जो HM से बात किया, वहाँ यहाँ के HM का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के प्रधान पाठक उन्होंने कहा भवन की तो स्थिति समस्या बनी हुई है, हम लोग आधा अधूरा भवन में यहाँ पर किसी तरह शिक्षा व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर सड़क की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, सड़क की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। लगातार हम इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा मैन से कहूँगा कि जो पूरा जो बिल्डिंग है पूरे बिल्डिंग को आपको आधा अधूरे पूरे बिल्डिंग को दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा परेशानी कितनी ज़्यादा तकलीफ है। भवन में कहीं पर भी प्लास्टर नहीं हुआ है, भवन पूरी तरह से आधा अधूरा है, यहाँ तक कि ये जो आधा अधूरा भवन है पूरी तरह से निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पाने के चलते आज ये भवन लगभग जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस भवन में भी पानी लगातार टपक रहा है, जो छत में वहाँ पे जो पपड़ी है या जो मलबा धसकने मलबा गिरने के कारण यहाँ पर छड़ दिखने लगा है। स्थिति यह है कि जिम्मेदार अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के जो प्रधान पाठक थे उनसे भी हमने चर्चा की, उनका कहना है कि जो संकुल प्राचार्य या संकुल समन्वयक है या जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनको भी हमने मामले से अवगत करवा दिया है, लेकिन जिम्मेदार किसी तरह की बातों को आज तक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जिम्मेदार हैं या उच्च पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गंधर्व वेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल TV, देवभोग। इसकी सूचना तो हम दे चुके हैं, बिल्डिंग अति जर्जर है क्योंकि पहले भी सूचना दिया गया, तो अभी मरम्मत हेतु राशि जारी हुआ 1,06,000 रुपया, जो कि यहाँ का जो मरम्मत के हिसाब से बहुत कम राशि है। तो अब
उच्च अधिकारियों को निर्देश मैंने सूचित करने के बाद फिर से रिवाइज हुआ है 4,10,000 का, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सर अति जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को बिठा कर पढ़ाया जा रहा है, क्या इसके लिए तात्कालिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं कर सकते सर आप लोग? तात्कालिक तौर पर हमको विकासखंड से ये मिला था कि कोई भवन वगैरह सरकारी है वहीं अगल बगल, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शासकीय भवन या सामुदायिक भवन इस टाइप का कोई है ही नहीं इस गाँव में। केवल पारा में जो भी निवासरत हैं वो अपने हिसाब से ही थोड़ा बहुत उनके पास जगह है, तो किसी के घर वगैरह में भी हम लोग जगह देख रहे थे लेकिन मिला ही नहीं हमको जगह, मजबूरी में यहाँ बिठा मजबूरन में यहीं बिठाना पड़ रहा है। लेकिन हम मास्टरों को सचेत कर दिए हैं कि देख लीजिएगा स्थिति, और नहीं तो हम उच्च कार्यालय को सूचित करते रहेंगे इस टाइप का। सर रिस्क तो बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि उसका जो छत है वो दबना शुरू हो गया है जी, तो इतना रिस्क के बीच आप लोग बच्चों लोग को पढ़ा रहे हो, तो आप बता दिए हो उच्च अधिकारी को? हाँ, इसकी जानकारी तो हम बता दिए हैं सर कि माने बिल्डिंग जो है अति जर्जर है, इसकी सूचना तो हम पहले भी दिए और उस हिसाब से ही वो इस्टीमेट यहाँ जारी हुआ